आई एम सो हैप्पी कि आज न सिर्फ हमारा चैम्बर है बल्कि पूरे पाकिस्तान में 25 विमेन चैम्बर्स हैं। समीना फाजिल, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। मैं भी पढ़ ही रही थी, मैं बीए कर रही थी, तो मेरी शादी का प्लान पेरेंट्स ने मेरे बना दिया। तो हम जिस जगह रहते थे वहाँ पास ही कोई सोशल वेलफेयर का एक अदारा था, तो मैं अक्सर वहाँ जाती थी और कुछ मेरे सराउंडिंग में, तो वहाँ मैं देखती थी कि कुछ विडोज़ हैं, कुछ अदर ख़वातीन इस तरह की डिज़र्विंग ख़वातीन हैं। फिर हम जहाँ रहते थे वहाँ पे भी कुछ इस तरह की लेबर ख़वातीन रहती थीं, तो वो हमेशा जो है वो मेरे घर के पास से गुजरना तो आ जाती थी कोई पानी पीने या इस तरीके से, तो वो अक्सर कहती थी कि बाजी हमें काम दें। और मैंने जो है वो बस कपड़ा लाई कुछ और मैंने उन ख़वातीन को दिया कपड़ा के, इस पर थोड़ी कढ़ाई कर दो, बच्चों की फ़्रॉक्स बनवाई। 89 में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और 90 में मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया मेन मरी रोड चांदनी चौक पे। मैं तकरीबन को 95 में फिर मैं एक जो है हमारा मेन चैम्बर है पिंडी चैम्बर है, मैंने उसकी मेम्बरशिप मैंने ली। अच्छा, जब मैं चैम्बर में होती थी तो वहाँ पे जब इलेक्शन आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि ये ख़वातीन के नामों की लिस्ट लें और आप इसके ऊपर काम करें। तो जब मैं अपने ऑफिस से बैठ के मैंने कॉल्स करनी शुरू की इलेक्शंस के लिए, तो मुझे ये पता चला कि ये ख़वातीन तो कारोबार ही नहीं कर रही हैं, सिर्फ इन ख़वातीन के नाम पर जो हैं वो कारोबार तो रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो कारोबार जो हैं उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं या उनके बेटे कर रहे हैं, मतलब किसी एक खातून से मेरी बात नहीं हो सकी। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि हम अपना एक विमेन चैम्बर क्यों नहीं बनाएं कि हम भी ख़वातीन उसके अंदर सब मेंबर हों। फिर 2000 में जो है ना मैंने अपने जो कुछ यानी कि ये 2-3 साल में मैंने अपने साथ ख़वातीन जमा की, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्योंकि उस ज़माने में भी ये होता था कि अगर आपने चैम्बर के लिए काम करना है तो आपके पास 100 ख़वातीन हों, और फिर मुझे उसके बाद ये पता चला कि इनके NTN भी होने ज़रूरी हैं। तो मैंने हालांकि 30-40 ख़वातीन तो मेरे साथ खड़ी थी लेकिन ज़ाहिर है कि उनके NTN नहीं थे। फिर जनाब एक नया महाज मेरे लिए खड़ा हो गया कि अब ये ख़वातीन जो मैंने इकट्ठी की हैं अब इनको मैं किस तरीके से NTN लेके दूंगी। तो फिर मैंने कुछ FBR में रबते किए, फिर मैंने उनके NTN बनवाए। जब ख़वातीन मेरे पास आती थी और वो कहती थी कि मैम हम तो चलें हम तो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस रजिस्टर हो लेकिन मेरे ना वाले साहब नहीं मुझे परमिशन दे रहे, कोई कहते थे मेरे बेटा नहीं दे रहा, कोई का भाई नहीं दे रहा, तो मैं उन्हें कहती थी अच्छा आप मेरे पास लाना शुरू करें। तो मैं मेरी मिशाज़ कलेक्शन के अंदर मेरा ऑफिस था वहाँ पे वो लोग आते थे, उनके साथ बैठ के मैंने बात करनी, उनको अपना मकसद समझाना, उनको मोटिवेट करना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन टेक्सनेट में आना शुरू हुई। जब 2004 आए पता चला कि जी आप सेपरेट वेमेन चैम्बर नहीं बना सकते, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि हमारे लॉ में ही नहीं है कि आप सेपरेट वेमेन चैम्बर बनाएं। तो बस मत पूछे मेरा क्या हाल हुआ, ख़वातीन को अलग मैं जवाब दे रही थी और इतना मैं परेशान और बड़ी अफसरदा थी क्योंकि हम इस्लामाबाद में बैठे हुए थे और हर वक्त हमारा तो मिनिस्ट्री में आना जाना होता था। तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। तो इन द मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि जब हम ये स्ट्रगल कर रहे थे कि लॉ में अमेंड करवा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये हुआ कि जब मेन चैम्बर्स ने देखा कि ये ख़वातीन तो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उन्होंने भी अपनी लॉबिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप ऐसा करें कि विमेन चैम्बर ना बनाएं, हम इन्हें 2 ख़वातीन को सीट दे देंगे, मतलब हम हर साल 2 ख़वातीन को एग्जेक्टिव सीट्स दे देंगे। तो इस तरीके से डबल फ़ायदा हो गया ख़वातीन को कि एक तरफ तो हमें वो 2 सीट्स मिल गईं, तमाम पाकिस्तान के जितने मेन चैम्बर्स हैं उनमें मैंडेट्री है कि वो 2 ख़वातीन को सीट दें, और इसी तरीके से उन्होंने विमेन चैम्बर को जो है अप्रूवल आ गया, जो ऑर्डिनेंस आया 2007 का उसके अंदर आ गया कि जी आप सेपरेट विमेन चैम्बर बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो स्ट्रगल जो है वो शुरू की थी, आई एम सो हैप्पी कि आज न सिर्फ हमारा चैम्बर है बल्कि पूरे पाकिस्तान में 25 विमेन चैम्बर्स हैं।
जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 52% है और मर्दों के शाना बशाना हम खड़े हैं, और अब तो ख़वातीन बल्कि ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सेक्टर में जा रही हैं और हर तरफ ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से बेहतर काम कर रही हैं। जैसे कि आप अपने अपने घरों को अच्छा से मैनेज कर रही हैं, बच्चों को अच्छा मैनेज कर रही हैं, तो इसी तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर सकते, हमें उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। और अब हम 75th इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन से हम अपने साथ उन तमाम लोगों को शामिल करें जो कि कुछ करना चाहते हैं।